Hello guys, you all are watching Siva Learning. You all can also visit us on www.sivalearning.in. So I think maximum states of India have completed their mop-up and stay round, stay vacancy. Only few states are left and all India deemed quota are left. And even these 2 days, 30th and 31, is the last state for the all India deemed stay round. Okay, and Uttar Pradesh stay round, they will give the date. And Telangana stay round will also come, but only NRI seats are left. Rajasthan stay round, I will tell the dates, it will also going to handle on 30th and 31. Maharashtra is still on holds for the mop-up round. Bihar mop-up round is going to handle from the 30th and 31. Okay, so let's see the date for the Bihar. Bihar Combined Entrance Competitive Examination Undergraduate Medical Admission Counseling. Okay, so the date is 28 and then Dinang 30th 08 2019 se Dinang 31 08 2019 tak ayojit kiya jayega. Yani aapki jo mop-up round hai Bihar ki wo 30th aur 31 ko hai aur aapko every hours wo website pe kitni seat vacant rahegi वो समय समय से अपडेट करते रहेंगे. ठीक है, ये आपका बिहार का मॉपअप राउंड है. बिहार में भी एस्ट्रे वैकेंसी आ सकती है, मॉपअप के बाद आएगी. ओके, अदर जो है आपका, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कुछ केसेस चल रहे हैं, वहां का भी मॉपअप राउंड होल्ड पे रखा गया है, केवल सेकेंड राउंड के अपडेट करके छोड़ दिया गया है. ओके, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ भी बहुत पहले होने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों के साथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो एक्सटेंड करके इनका भी अभी 31 सीट लेफ्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ लेफ्ट है. पैसिफिक में भी कुछ सीटें बची हुई हैं, अनंता में बची हुई हैं, अमेरिकन में बची हुई हैं, और जीएमसी आपका भरतपुर में बचा है, जीएमसी बारमर में एक सीट बचा है. ठीक है, इसकी काउंसलिंग आपकी होगी 30th को. एसएमएस सेंटर पे जाइए, ठीक है, एसएमएस नोडल सेंटर जयपुर, और वहां से आप लोग आज अभी देख सकते हैं. ठीक है, अपना लक चेक कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि आपकी there is no fresh registration. Fresh registration जैसा कोई चीज नहीं है. जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हैं वही कॉलेज लेवल यानी एस्ट्रे वैकेंसी में जाके सीट ले सकते हैं. ठीक है, मिल सकता है. ओके, अगर हम MBBS की बात करें तो ऑल इंडिया डिम्ड आपका 30th और 31 दो दिन बचा है, लास्ट डेट है. ठीक है, BDS के लिए अभी स्टेट कोटा के थ्रू काफी टाइम जाएगा, कहीं कहीं है 15 सितंबर तक जाएगा. जैसे आप अगर कर्नाटक वगैरह की बात करें तो काफी लेट तक चलता है BDS की काउंसलिंग. BMS अभी वो भी 15 सितंबर तक, कहीं कहीं अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं स्टार्ट है स्टेट कोटा का. वेटनरी भी आपका काफी लेट तक चलेगा. BDS की अगर आप बात करते हैं तो BDS आप अक्रॉस इंडिया कहीं भी 15 to 17 lakhs तक अभी एडमिशन इजिली ले सकते हैं, बट दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हैं उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी है. अगर आप BMS की बात करते हैं तो BMS का भी टोटल बजट 15 से 17 लाख रुपए अक्रॉस इंडिया, कहीं भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हुए हैं. MBBS की अगर बात करते हैं तो अभी दो दिन बचा है, कहीं कहीं एस्ट्रे राउंड में भी एक्सटेंड करके और डेट अभी निकालें. ठीक है, लेकिन 150 to 350 मार्क्स का अगर आपका है और मैक्सिमम यही बच्चे अभी पेंडिंग में बचे हुए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे थे वो कहीं ना कहीं तो ले ही लिए हैं, तो मिनिमम बजट अगर आप कहीं जाएंगे तो 70 lakhs से 110 lakhs तक जाएगा, 110 lakh. ठीक है, इससे लो बजट में कहीं भी आपको सीट अभी एस्ट्रे वैकेंसी में कोई भी कॉलेज नहीं देगा, क्योंकि सीट जो होती है कॉलेज के ऑनर के पास चली जाती है और वो आपको
लो बजट में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं तो कॉलेज बहुत ज्यादा डोनेशन भी मांग रहे हैं, 30 लाख 40 लाख डोनेशन आते हैं। तो जिसके पास बजट है वो लोग तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ले रहे हैं, जिसके पास बजट नहीं है होप ना खो, नेक्स्ट ईयर में फिर से तैयारी करें। ठीक है, मे बी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला, हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, सो डोंट बी डिप्रेस, डोंट बी सैड, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, कीप इंजॉइंग एंड कीप लाफिंग।